हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके टेक्निकल हेल्प CTH में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो पे बिमल ग्रेडर के बारे में जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। बिमल ग्रेडर के केबिन के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को स्किप तो बिल्कुल ना करें, ताकि आपको बिमल ग्रेडर के केबिन के बारे में जो भी इसमें फंक्शन दिया गया है उन सभी के बारे में आपको पूरी जानकारी आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की ओर। फ्रेंड्स, मैं बिमल ग्रेडर के पास पहुंच चुका हूं। अब हम मिलेंगे बिमल ग्रेडर के ऑपरेटर से और आज ये आपको बिमल ग्रेडर के केबिन के बारे में जानकारी देंगे, है ना। जैसा कि हमारे ऑपरेटर ग्रेडर पे बैठे हुए हैं, चलिए इनसे बात करते हैं और ये आपको जानकारी देंगे। तो फ्रेंड्स, हम इनसे जानकारी लेंगे। हाँ तो सर बताइए, इसका जो मैं की है ये यहाँ से, हाँ, से चालू होता है, ठीक, यहाँ से चालू हो जाएगा, ये ऑन हो गया। फिर इसके बाद इसको घुमा कर किए, इसको घुमा कर रखने के बाद इसको ये बड़ा लीवर है, ऐसा करके सभी को स्टार्ट हो जाए, इसको छोड़ दो। तो आप इसको बंद करने के लिए चाबी से इसमें कनेक्शन नहीं दुआ है, बिमल को नहीं दिया है, ये बटन दिया है, ये बटन ऐसे दबा के रखिए, हाँ, तो ये बंद हो जाएगा। आपको क्या करना है, चाबी को ऑफ नहीं करना है, चाबी ऑफ किए बगैर ये रेड वाली बटन को दबा के रखना है, दबा के रखना है। अगर इसको ऑफ कर दोगे ये फिर नहीं बंद होगा। देखो अभी मैं करके दिखा रहा हूँ, ये चालू हो गया, इसको ऐसा करके इसको दबा के रखूँगा, बंद ही नहीं होगा। कितना भी कोशिश करो ये बंद नहीं होगा। जब इसको ऑन रखोगे तब ये बंद होगा। इसमें फैशन दिया है, ओली छह लीवर दिया है, ये दो हो गया, ब्लेड सर्कल नीचे करने के लिए, ब्लेड सेट करने के लिए दिया है, एक दिया है सर्कल बाहर निकालने के लिए, एक घुमाने के लिए, एक ब्लेड अंदर बाहर करने के लिए, ये बैंड करने के लिए दिया है। यहाँ पे इसका मीटर है, यहाँ पे इसका रीडिंग बताता है, यहाँ पे RPM बताता है और यहाँ पे किलोमीटर बताता है और यहाँ पे हारम दिया है इसी में। तो सर, इसकी रीडिंग जो है तो दो प्रकार से है क्या? नहीं, इसका एक घंटे का रीडिंग जो चलता है। अच्छा, घंटे में, हावर्स में, हावर्स में यहाँ पे मीटर पे बताएगा। हाँ, मीटर बताएगा। ये जैसे किलोमीटर, यहाँ पे क्या किलोमीटर, कितना किलोमीटर चल गया, हाँ, ये किलोमीटर स्पीडोमीटर पे बताएगा, किलोमीटर बताएगा यहाँ पे जी। और यहाँ पे पूरा बटन दिया है, ये दो लाइट का हो गया, ये लाइट का अंधेरा हो गया तो जला के चेक करने के लिए यहाँ पे लाइट जलेगा। अरे पार्किंग के लिए दिया है जी, ये दो वाइपर के लिए दिया है, एक पानी के लिए दिया है, इसका पानी इधर टंक दिया है, दो टंक दिया है। अच्छा, ये पानी का टंक, दो टंक दिया है। यहाँ पे फ्रिज दिया है इसका जी, और इधर भी ये बंद करने के लिए बटन दिया है पूरा, यहाँ पे दिया है बटन, दो दिया है लाइट का ही दिया है, ये भी लाइट, ये पीछे का लाइट का है, ये दो वाइपर का दिया है, एक वाइपर एक टैंक का पानी चालू करने के लिए, दबा के रखोगे तब पानी देगा। ये फैन के लिए दिया है, यहाँ पे फैन दिया है, देखिए इसमें बिमल में फैन और का भी यहाँ पे दो लाइट दिया है, और यहाँ पे बाटल वोटल रखने के लिए दिया है, दिखाओ। और ये गैर ही है, इसको कभी भी चालू करो तो गैर थोड़ा कि ऐसा करके इधर करके ऐसा दबा के रखो तब स्टार्ट होता है। और यहाँ पे हाथ पे एक्सीलेटर के लिए दिया है, और यहाँ पे पैर में एक्सीलेटर दिया है, ये ब्रेक है प्रेशर ब्रेक, यहाँ पे क्लच है, ये 90 डिग्री का पिन यहाँ पे दिया है निकालने के लिए। अच्छा, ये वाला स्विंग पिन का है? नहीं, ये 90 डिग्री का है, ये ब्लेड निकालने के लिए। अच्छा, और यहाँ पे स्टेरिंग पास मिलाने के लिए दिया है यहाँ पे, ये स्टेरिंग पास मिला, क्या आप स्टेरिंग पास में ला के दिखाइए? तो ये इसको दबा के ऐसे पास मिला के इसको पैर से छोड़ दो, ऑटोमेटिक जाके सेट हो जाएगा, फिर इसके से दबा के उठा दो, ये उठ जाता,
और इसने ही इंडिकेटर दिया है इस लीवर में, यहाँ पे इसका स्टेयरिंग है, ये सीट है, बस इसका जानकारी यहाँ पे एयर क्लीनर के दिया है, एयर क्लीनर जाम हुआ कि नहीं जाम हुआ है, यहाँ पे एक स्प्रिंग दिया है तो एयर क्लीनर जाम हो जाएगा तो स्प्रिंग नीचे आ जाएगा जी जी। ये पूरा अभी जैसे नाइट है कुछ जरूरत पड़ा तो यहाँ पे लाइट दिया है, ये नाइट में भी जलता है। यहाँ पे दो स्पीकर के लिए दिया है, स्पीकर इस पे टेप लगा हुआ है क्या? नहीं टेप नहीं लगा हुआ है, वहाँ पे वो जो उसका जो टेप का मशीन वो भी नहीं लगा हुआ है इसमें। यहाँ पे कंपनी से आया था दिया था, ये तो आपने तोड़ दिया है? ये नहीं, ये पहले से टूटा हुआ था, पहले से टूटा था, टूट गया है, कोई दूसरा से जब तोड़ दिया लगता है। यहाँ पे दिया था और बस हो गया इसका, ये बेल्ट दिया है यहाँ पे, हाँ ये सीट बेल्ट दिया है इसका, तो फसा के यहाँ पे पार्क करते समय आप सीट बेल्ट का यूज करते हैं कि नहीं? नहीं सीट बेल्ट का यूज नहीं कर पाते क्योंकि इसका स्प्रिंग जो है ये हम ही से टूट गया है, यहाँ पे बहुत पुराना हो गया था, ये यहाँ पे एक दिन ऐसे किए थे यहाँ से निकल गया, इसका स्प्रिंग ही बाहर में फेंक दिया, बस इसका यहाँ पे हैंड ब्रेक दिया है। अच्छा ये हैंड ब्रेक, इसको दबा के ऐसा करो हैंड ब्रेक लग जाएगा, फिर इसको इसको दबा के नीचे कर दो हैंड ब्रेक छूट जाएगा, बस इसका बिमल का इतना ही जानकारी है, अब अगले पार्ट में इसका सर्विसिंग का पूरा बताएंगे। चलिए ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगले वीडियो में आपको इसका पूरा सर्विसिंग के बारे में बता दें, कितना लीटर इंजन ऑयल लगता है, कितना लीटर हाइड्रोलिक ऑयल, पूरा मैं जानकारी दूंगा अगले वीडियो में। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे चैनल पे जानकारी दिए।